हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर में जूलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर लोअर नॉन कोडेटा के फाइलम प्रोटोजोआ से मोनोसिस्टस को जानेंगे। फाइलम प्रोटोजोआ में हमें पैरामीशियम, मोनोसिस्टस और युगलीना को स्टडी करना होता है। तो आज हम मोनोसिस्टिस की लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्लासिफिकेशन, हैबिट और हैबिटेट, स्ट्रक्चर, लोकोमोशन, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन और उसकी लाइफ साइकिल किस तरह से होती है और उनका एक्सक्रीशन और उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस तरह से होता है, तो इन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो नोट्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको मोनोसिस्टिस का जनरल इंट्रोडक्शन बता दूं, जिससे जब मैं आगे डिस्कस करूंगी तो आपको आपके माइंड में एक क्रिटेरिया जनरेट हो जाएगा। तो जो यंग या एडल्ट मोनोसिस्टिस होता है उसे हम ट्रोफोजॉइट कहते हैं और ये एंडोपैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म है। एंडोपैरासाइटिक का मीन्स है कि ये होस्ट बॉडी के इंटरनल ऑर्गेन्स में रहते हैं। तो इनका होस्ट एक ही होता है, ये मोनोजेनेटिक होते हैं, अर्थवॉर्म होता है। जैसे आपने रेनी सीजन में देखे होंगे, जिन्हें मैं हिंदी में कहूँ तो केचुए कहते हैं। तो ये अर्थवॉर्म में प्रेजेंट, इनकी जो अर्थवॉर्म की बॉडी होती है उनमें सेमिनल वेसिकल पर रहते हैं, जो कि स्पर्म्स को या स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं, जहाँ पर स्पर्म्स बनते हैं। और जब ये होस्ट या अर्थवॉर्म के अंदर एंटर करते हैं तो इनकी जो फॉर्म होती है वो स्पोर फॉर्म होती है, विच मीन्स जब ये स्पोरिक फेज में होते हैं तब अर्थवॉर्म की बॉडी में एंटर करते हैं और इनकी बॉडी में सीलिया प्रेजेंट नहीं होते। जब हम इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमें सभी पार्ट्स के बारे में पता चलेगा। बट मैं आपको ये बता दूं कि काफ़ी टाइम पहले जब साइंटिस्ट ने पहली बार मोनोसिस्टिस के स्ट्रक्चर को स्टडी किया तो उन्हें लगा कि शायद इनकी बॉडी में आउटर कवरिंग के पास जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे वो सिलिया हों। बट डीप स्टडी के बाद उन्हें पता चला कि जब मैच्योर जो ट्रोफोसाइट होता है तो अर्थवॉर्म की सेमिनल वेसिकल पर होता है, तो अर्थवॉर्म के स्पम्स एक तरह का आउटर कवरिंग सिलिया लाइक प्रोजेक्शन बना लेते हैं, जिसे हम बाहर से देखते हैं तो हमें सिलिया दिखता है। जैसे आप डायग्राम को भी देख सकते हैं, डायग्राम में हमें दिख रहा है तो ये एक सिलिया लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है, बट एक्चुअल में ये सिलिया नहीं होते। तो ये मोनोजेनेटिक होते हैं, जिसका मीन्स होता है कि अपनी लाइफ साइकिल को एक ही होस्ट पर पूरा करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे फंगस डाइजेनेटिक होते हैं, जैसे पक्सीनिया ग्रैमिनिस्ट्रेटिसाई, जो कि एक डाइजेनेटिक ऑर्गेनिज्म है या फंगस है, जो कि अपनी लाइफ साइकिल को दो ऑर्गेनिज्म पे पूरा करता है। तो आपको पता चल गया होगा कि दो टाइप्स के होते हैं, एक डाइजेनेटिक जो कि दो होस्ट पर अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करें, एंड मोनोजेनेटिक जो कि एक ही होस्ट पर अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करें। ओके, तो इनकी इन्फेक्शियस स्टेज स्पोर होती है और डियर इनकी बॉडी में मायोनीम्स मसल्स होते हैं। मैं आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ताकि जब मैं अभी सभी चीज़ों को डीपली डिस्कस करूँगी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा पूरी थिंग्स को। तो मोनोसिस्टिस जो मसल्स होते हैं वो एक तरह के कॉन्स्ट्रक्शन जनरेट करते हैं, इनकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट करने के लिए पार्ट प्रेजेंट नहीं होता, तो जो मायोनीम्स हैं उनकी हेल्प से कॉन्ट्रैक्शन होता है बॉडी से बॉडी में और एक्सपेंशन होता है, जिसके ज़रिए ये लोकोमोशन या मूवमेंट करते हैं। और इनकी आउटर वॉल जो होती है, आपको जैसा कि डायग्राम में दिख रहा होगा, वो पेलिकल की बनी हुई होती है, उसे पेलिकल कहते हैं। तो इनकी लाइफ साइकिल टोटली 6 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। एक होती है गैमेटोगैमी, जिसमें गैमेट्स मिलते हैं, देन स्पोरोगैमी, स्पोर बनता है, ट्रांसफेरेंस स्टेज आती है, डेवलप होते हैं, देन स्पोरोजॉइट्स बनते हैं, देन इन्वेंशन ऑफ सेमिनल वेसिकल होता है, फिर जो ट्रोफोजॉइट बने उनका डेवलपमेंट होता है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन दिया आपकी वेल अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो डियर चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और सभी थिंग्स को डिस्कस करते हैं जो कि मोनोसिस्टिस से रिलेटेड है। ओके, तो
तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये इनका क्लासिफिकेशन, ये फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करते हैं और सब फाइलम स्पोरोजोआ होता है इनका। क्लास टीलोस्पोरा होती है, ऑर्डर यूग्रीगैरिनिडा होता है और जीनस मोनोसिस्टिस होता है। जब आप अपने एग्जाम में लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करें तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन बताएं। ओके, तो चलिए अब हम देखेंगे इनका हैबिट और हैबिटेट। तो अब हम डिस्कस करेंगे इनका हैबिट और हैबिटेट। हैबिटेट का मीन्स है ये किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो मोनोसिस्टर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एंडोपैरासाइटिक होते हैं या एंडोपैरासाइट्स होते हैं, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहें उन्हें कहेंगे एंडोपैरासाइट। तो जो आपके मोनोसिस्टिस हैं ये रहते हैं अर्थवॉर्म की बॉडी में या अर्थवॉर्म के सेमिनल वेसिकल पर रहते हैं, जो कि सीलम होता है उस पर। तो इसीलिए हम एंडोपैरासाइट कहते हैं। और अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो एडल्ट और मैच्योर जो मोनोसिस्टिस होते हैं उन्हें ट्रोफोजॉइट कहते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, बी डायग्राम में देखिए, ये मैच्योर ट्रोफोजॉइट है। ठीक है, ये मोनोसिस्टिस की स्ट्रक्चर है, ये भी मोनोसिस्टिस की स्ट्रक्चर है। ये इसकी स्पोरोजॉइट फॉर्म है और ये इसकी मैच्योर फॉर्म है। तो मैच्योर फॉर्म को हम ट्रोफोजॉइट कहते हैं। और ट्रोफोजॉइट एक तरह की फीडिंग स्टेज होती है, यानी जो अपना ये फूड टेकन है ये भी फीडिंग स्टेज यानी ट्रोफोजॉइट स्टेज में ही करते हैं जब ये फुल्ली मैच्योर होते हैं। तो यंग ट्रोफोजॉइट जो होते हैं वो डेवलप होते हैं स्पर्म मोरूला, जो सेमिनल वेसिकल होता है वहाँ पर अर्थवॉर्म के, जो कि एक तरह जो स्पर्म मोरूला है वो एक तरह का डेवलपिंग या स्पर्म को डेवलपिंग करने वाला मोरूला होता है। ठीक है, जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सेमिनल वेसिकल पर अर्थवॉर्म की एक तरह की डेवलपिंग स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, स्पर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें स्पर्म मोरूला कहते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर एक ही होस्ट होता है, इसी वजह से इन्हें हम मोनोजेनेटिक कहते हैं, जो कि अर्थवॉर्म होता है। ओके, तो ये इनकी स्ट्रक्चर थी। और इनके शेप एंड साइज में अभी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इनमें ये पेलिकल और ये देखिए, पहले मैं एक बार बता देती हूँ, इनके अपर साइड पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, देन एंडोसोम्स होते हैं, यहाँ पर ऐसे लाइनिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें मायोनीम्स कहते हैं, जो कि इनको कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। फिर पैरामाइलन ग्रैन्यूल्स होते हैं, जो कि फूड वगैरह, और ये जो ग्रैनुलर एंडोप्लाज्म है ये फूड के फॉर्म होते हैं, स्टोर होते हैं। फिर इनके अंदर क्लियर एक्टोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, पेलिकल प्रेजेंट होती है, आउटर जो लेयर होती है उसे पेलिकल कहते हैं। और यहाँ पर ये स्पर्म की टेल्स होते हैं। जब साइंटिस्ट ने इनको स्टार्टिंग में स्टडी किया तो उन्हें लगा कि ये सिलिया है, बट डीप स्टडी के बाद उन्हें पता चला कि जो स्पर्म है, अर्थवॉर्म के स्पर्म होते हैं, वो एक तरह का सराउंडिंग कवरिंग बना लेते हैं एक तरह का, तो उसे ही मतलब ये स्पर्म टेल्स होते हैं। ओके, तो डियर अब हम डिस्कस करेंगे इनका शेप एंड साइज, जिसमें जो पेलिकल है या न्यूक्लियस है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं, उनके सभी की फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो यंग स्टेज होती है उसे ट्रोफोजॉइट कहते हैं। तो जो ट्रोफोजॉइट होते हैं वो राउंडेड होते हैं और ओवल शेप में होते हैं, अबाउट 5 माइक्रोन से लेकर के, और मतलब 500 माइक्रोन तक होते हैं। मतलब कि जब आप देखेंगे जाकर के इलेक्ट्रॉन स्कोप से या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से, तो आपको 5 से लेकर 500 माइक्रो तक दिखेंगे ये। ठीक है, और 40 माइक्रोन ब्रॉड होते हैं, इनकी जो ब्रीथ है वो 40 माइक्रोन तक होती है। तो सबसे पहला पार्ट आता है पेलिकल। पेलिकल आउटर कवरिंग होती है एक तरह की, बोल सकते हैं, देखिए एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ द ट्रोफोजॉइट, ये एक्सटर्नल बाउंड्री होती है, थिक होती है, स्मूथ होती है और परमिएबल होती है। इसका मतलब है कि आप कुछ हद तक अंदर प्रेजेंट जो पार्टिकल्स हैं उनको देख सकते हैं, थिंग्स जो ऑर्गेनल्स वगैरह हैं उनको देख सकते हैं। और ये मॉडिफाइड होती है डिफरेंट वेज में और कंटेंस होती है, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, और जो कॉर्टेक्स है वो डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में, इनकी जो आउटर कवरिंग है ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक एपिक्यूटिकल होता है, देन मिडल सर्कोसाइट्स होते हैं और इनर मायोसाइट्स होते हैं। ओके, जो इनर लेयर है वो मायोसाइट्स है, देन बीच की जो लेयर है वो सर्कोसाइट्स है, देन ऊपर की जो है वो एपिक्यूटिकल है। एक बार हम इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये स्पोरोजॉइड है जो ये अर्थवॉर्म की बॉडी में मोनोसिस्टिस जब एंटर करते हैं, तो जिस फॉर्म में ये उनकी बॉडी में, अर्थवॉर्म की बॉडी में एंटर करते हैं, वो इनकी स्पोर फॉर्म होती है। अभी हम आगे भी उस चीज़ को देखेंगे। तो स्पोर फॉर्म होती है, तो मैंने यहाँ पर एक स्पोरोजॉइट का आपको दिया है एग्जांपल कि उसमें कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, ये सब पेलिकुलर
माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं, जो कॉन्टेक्टाइल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, वो पेलिकल में अरेंज्ड होते हैं एक तरह से। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस कहते हैं एनर्जी देने के लिए। देन माइक्रोपाइल या माइक्रोपोर होते हैं। फिर गॉल्जी अपरेटस और न्यूक्लियस है, इनके अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है। इसको अगर हम इस तरह से ऐसे शो कर देंगे, उल्टा कर दें, तो आपको ये दिखने लग जाएगा। जो यंग ट्रोफोजॉइड होता है, वो उसके अंदर अपर साइड पे ही प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। देन बाहर की लेयर, इसे पेलिक्यूल या पेलिकल कहेंगे, और ये लिपिड्स वगैरह, लिपॉइड वगैरह, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स भी होते हैं। तो ये एक स्पोरोजॉइड की स्ट्रक्चर होती है। तो डियर, अब आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है कि जो इनकी बॉडी है, जैसे ये मान लीजिए ये बॉडी है, तो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसमें ये सारे ऑर्गेनेल्स पड़े हुए हैं, उसे कहेंगे हम साइटोप्लाज्म। ओके, तो एंडोप्लाज्म जो है या साइटोप्लाज्म जो है अंदर भरा हुआ है, इसलिए हमने इसे एंडोप्लाज्म कह दिया। तो एंडोप्लाज्म कंटेन्स होता है पैराग्लाइकोजन ग्लोब्यूल से, वोलेटिन ग्लोब्यूल से, और सिंगल न्यूक्लियस होता है, जो कि एंटीरियरली मैंने अभी बताया था कि जो अपर हाफ होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब है कि डिप्लॉइड का मतलब 2n और हैप्लॉइड का मतलब n। इसका मतलब है कि ओनली n क्रोमोसोम से प्रेजेंट होते हैं। देन न्यूक्लियस की बारी आती है। तो न्यूक्लियस जो होते हैं वो सिंगल होते हैं और वेसिकुलर होते हैं, स्फेरिकल फॉर्म में। आप देख सकते हैं स्फेरिकल फॉर्म है इसकी, और ये कंटेंस होता है न्यूक्लियोलस। ये जो अंदर आपको छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये न्यूक्लियोलस है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर जो मेम्ब्रेन है वो कंटेन्स होती है, मतलब उस पर, जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होगी और उस मेम्ब्रेन पे छोटे छोटे से पोर होंगे। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन होती है, उस पर छोटे छोटे पोर्स को वो बियर करते हैं, जो कि क्रोमेटिन वगैरह होते हैं, जब बाहर आते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। देन बहुत सारी थिंग्स हैं जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह, तो उनमें सब क्रोमेटिन ये सब हेल्प करते हैं। तो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स और माउथ और ऑर्गेनेल्स होते हैं लोकोमोशन के लिए, वो मेनली अब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह की पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ को बियर करते हैं या पूरी लाइफ प्रोसेस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इनमें किस तरह से होता है, मतलब इनका फीडिंग मटेरियल किस तरह से होता है, देन ये डाइजेस्ट किस तरह से करते हैं। तो मेनली ये सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, या एक तरह से बोल सकते हैं कि इनका न्यूट्रिशन सेप्रोजोइक होता है। मोनोसिस्टिस जो है वो सेक्रेट करते हैं एक तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स को उनकी बॉडी से, और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो डाइजेस्ट होते हैं मेनली। जो एंजाइम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी में, और एक तरह का डाइजेस्ट साइटोप्लाज्म या जो डेवलपिंग स्पर्म्स होते हैं सेमिनल वेसिकल्स के, उन सभी को ये डाइजेस्ट करते हैं, एक तरह का फीडिंग मटेरियल लेते हैं। और डाइजेस्टेड जो प्रोडक्ट हैं वो एब्जॉर्ब होता है ऑस्मोसिस के थ्रू, और पेलिकल जो होता है उसे हम ऑस्मोट्रॉफी कहते हैं इस प्रोसेस को। जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है वो एब्जॉर्ब होता है ऑस्मोसिस के थ्रू और पेलिकल के जरिए, तो इस प्रोसेस को हम ऑस्मोट्रॉफी कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? ऑस्मोट्रॉफी। तो जो एक्सेस में फूड प्रेजेंट होता है वो उसे हम पैराग्लाइकन कहते हैं, मतलब इनकी बॉडी में पैराग्लाइकन के फॉर्म में वो एक तरह से स्टोर हो जाता है। तो डियर, एक बात ये रेस्पिरेशन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो इनका फूड था वो जो अर्थवॉर्म फूड लेगा, सेम वही इनके ये भी फूड लेंगे। तो मतलब जो अर्थवॉर्म फीड करेगा उसमें जो एब्जॉर्ब होगा उसकी बॉडी में, देन उसको ये फीड करेंगे, और उसकी सेमिनल वेसिकल पर तो ये प्रेजेंट ही होते हैं, वहाँ से ये एब्जॉर्ब करेंगे। ओके, और इनके साइटोप्लाज्म में डाइजेस्ट होगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन। तो अगर रेस्पिरेशन की बात करें मोनोसिस्टिस में, ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है मेनली। डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं वो एक तरह से टूटते हैं। तो क्या है कि हमें पता है कि ये पैरासाइट की तरह अर्थवॉर्म की बॉडी में रहते हैं, ये एक तरह से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, एक्सटीरियर जो ऑक्सीजन वगैरह प्रेजेंट होता बाहर के एनवायरमेंट में, वहाँ ये एक्सटीरियरली या बोल सकते हैं पूरा इनडिपेंडेंटली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है अर्थवॉर्म की बॉडी पर। इंटरनल उनके सेमिनल वेसिकल पर रहते हैं, और जो मोनोसिस्टिस है वो इनका जो अर्थवॉर्म का ब्लड होता है उससे इनकी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, और प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन, उसके थ्रू जो
कार्बोहाइड्रेट है वो इनकी बॉडी में जो प्रेजेंट होता है वो एक तरह से डाइजेस्ट होता है, या बोल सकते हैं जैसे आपने सुना होगा हिंदी में बोले तो कि ध्वनिकरण प्रोसेस, उसके थ्रू क्या होता है कि डिफ्यूजन होता है, डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स में टूटते हैं, देन वहाँ से कार्बन डाई जो होती है वो प्रोड्यूस होती है डिफ्यूजन के थ्रू और इसकी बॉडी से आउट होती है, एलिमिनेटेड होती है ब्लड के थ्रू, जो होस्ट इनका अर्थवॉर्म का ब्लड है उससे, और ऑक्सीजन जब अर्थवॉर्म अपनी बॉडी में लेता है तो ये भी उसी को एक तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये होता है एक तरह से इनकी स्ट्रक्चर को देखेंगे, कोनॉइड और माइक्रोनिम्स अभी बताया मैंने, फिर सब पेलिकुलर माइक्रोट्यूबुल्स, ये ट्राइज, माइट्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइक्रोपाइल। आपको डायग्राम का मेन ध्यान रखना है अपने एग्जामिनेशन में। तो डियर अब हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन इन मोनोसिस्टिस, यानी ये जो फूड मटेरियल लेते हैं उसका जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है या वेस्ट मटेरियल होता है उसका एक्सक्रीशन किस तरह से करते हैं। तो नाइट्रोजिनस जो वेस्टेज होते हैं वो डिफ्यूज आउट होते हैं मोनोसिस्टिस की बॉडी से, जो होस्ट है वो एक तरह से उनका जो एलिमिनेटेड एक्सक्रीटरी ऑर्गेन होता है होस्ट का, उससे ही इनकी जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो भी बाहर होते हैं। ये क्या करते हैं कि अपनी बॉडी से जो पेलिकल है उसके थ्रू बाहर करते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस जो वेस्टेज हैं, और डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है, देन क्या होता है कि सारी पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं। फिर क्या होता है कि जो अर्थवॉर्म है उसकी बॉडी में प्रेजेंट जो एक्सक्रीटरी पोर होता है वहाँ से जाकर के एलिमिनेटेड हो जाते हैं या बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और रिप्रोडक्शन की बात करें तो मोनोसिस्टिस ऑलवेज हमेशा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब इनके अंदर जो बोल सकते हैं प्रोसेस है वो इंटरडिपेंडेंट होता है इसके अर्थवॉर्म के ऊपर। तो अभी हम सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे किस तरह से इनकी लाइफ साइकिल होती है, तो चलिए उसको देखते हैं। तो डियर जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इनकी जो लाइफ साइकिल है वो 6 स्टेजेस में पूरी होती है। तो मोनोसिस्टिस इज अ कैटेगराइज मोनोजेनेटिक, मैंने बताया था मोनोजेनेटिक का मीन्स है, या मोनोजेनेटिक पैरासाइट का मीन्स है कि इनकी लाइफ साइकिल सिंगल होस्ट में, तो जिसमें नंबर पहला है गैमेटोगैमी, देन स्पोरोगैमी, देन ट्रांसफेरेंस और स्पोरोजॉइट स्टेज आएगी, देन इन्वेंशन ऑफ सेमिनल वेसिकल और डेवलपमेंट ऑफ ट्रोफोजॉइट। ओके, तो ये स्ट्रक्चर होती है। एक बार हम इसमें देखते हैं कि क्या होता है। गैमेटोगैमी में गैमेटोसाइट्स गैमेट्स बनते हैं, गैमेट गैमेट, देन जायगोट, देन स्पोर, देन स्पोरोजॉइट बनता है और यंग ट्रोफोजॉइट बनता है। तो इसी सभी स्ट्रक्चर को हमें डिस्कस करना है। ओके, तो जैसे मैंने डायग्राम ए में देखी ट्रोफोजॉइट की यंग स्टेज है, उसमें क्या है क्यूटिकल बाहर की लेयर है, इसे पेलिकल भी कहते हैं, देन अंदर जो लिक्विड भरा है बाहर की तरफ जो लिक्विड भरा है पेलिकल और लेयर के बीच में, तो उसमें मतलब आउटर जो लेयर है एपिडर्मिस के बीच में और जो अंदर की लेयर है इनर लेयर के बीच में वो हो गया एक्टोप्लाज्म, देन अंदर साइटोप्लाज्म में या एंडोप्लाज्म भरा हुआ है, देन जो इनको कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं वो मायोनियम्स बॉडीज होते हैं, और इनके अपर हाफ पे जो ट्रोफोजॉइड या मैच्योर ट्रोफोजॉइड होता है उसके अपर हाफ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये देखिए गैमेटोसाइट्स प्रेजेंट है यहाँ पर, देन ये देखिए न्यूक्लियस होता है, और इसमें भी स्ट्रक्चर में आपको स्टेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन दिखने को मिल रही है, और देखिए स्पोरोजॉइट जो है लिब्रेटिंग हो रहा है स्पोरोसिस्ट से, और जी वाले स्ट्रक्चर में, देन एच वाले स्ट्रक्चर में क्या है कि स्पोरोजॉइट जो है वो स्पर्म मोरूला को दिखा रहा है, देन यंग ट्रोफोजॉइट बना आपका आई वाले में, टेल्स उसमें जो थे वो डिस्ट्रॉयड हो गए स्पर्म के और बॉडी से आकर के अटैच होने लगे, आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही होगी। ओके, जी स्ट्रक्चर में ये देखिए स्पोरोसिस्ट बने। तो ये इनकी स्ट्रक्चर है, ये इनकी लाइफ साइकिल है, इसी को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो डियर सबसे पहले आता है गैमेटोगैमी। गैमेटोगैमी में क्या होता है कि जो मोटाइल और इन्फेक्टिव स्टेज होती है स्पोरोजॉइट की, जिसमें हैप्लॉइड जो स्पर्म है वो एंटर्स करते हैं, या स्पर्म मोरूला जो अर्थवॉर्म के हैं वो एंटर करते हैं और ग्रो करते हैं। जैसे मान लीजिए जो गैमेटोगैमी है इसमें क्या होता है कि ये मोटाइल और इन्फेक्टिव स्टेज है स्पोरोजॉइट की, जिसमें जो हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड का मीन्स है कि एन वाली स्ट्रक्चर में वो एंटर करेगा स्पर्म मोरूला में, जो ये स्ट्रक्चर है मोनोसिस्टिस की स्पोरोजॉइट की फॉर्म में एंटर करेगी अर्थवॉर्म के स्पर्म मोरूला में, फिर देन फीड करेगी और अपने आप को ग्रो करेगी। सो इस तरह की स्टेज में
जो जब मैच्योर हो जाएगा उसे हम कहेंगे ट्रोफोजॉइट, जो कि इवेंचुअली डिफ्रेंशिएट होगी एक तरह से एगामोंट, एगामोंट का मीन्स है कि गैमेट्स प्रोड्यूसिंग सेल से या गैमेटोसाइट से। तो इस प्रोसेस को ही हम गैमेटोगैमी कहते हैं और इनमें स्टेजेस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गैमेटोगैमी का क्या मीन्स हुआ कि जब स्पोरोजॉइट की फॉर्म में एंटर करेगा जो मोनोसिस्टिस है ये अर्थवर्म की बॉडी में, देन ग्रो करेगा और स्पोरोजॉइट का फॉर्मेशन कर लेगा और गैमेट्स इनके अंदर बन जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे गैमेटोगैमी। ओके, तो इसमें स्टेजेस होती हैं। तो डियर इसमें मेनली तीन स्टेजेस होती हैं, एक हो गया साई जाइगाई, देन होगा गैमेटोगोनी, देन होगा सिनगैमी, ठीक है। तो हम तीनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जो आपका साई जाइगाई है इसमें जो गैमेटोसाइट्स होते हैं या गैमेट्स होते हैं वो राउंडेड होते हैं, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर में आएंगे और नॉन सेक्सुअल एसोसिएशन को फॉर्म करेंगे जिसको हम साइगाइजाई कहेंगे, साइजाइगाई कहेंगे। ओके, एस वाई जेड वाई जी वाई, जैसा कि आपको इसमें शो हो रहा होगा। अब क्या होगा, जो दो गैमेट्स हैं या गैमेट्स हैं गैमेटोसाइट्स हैं वो इनक्लोज्ड होंगे और इनक्लोज होने के बाद एक कॉमन एनवेलप की तरह, आउटर कवरिंग की तरह स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो जो गैमेटोसिस्ट हैं या गैमेटोसिस्ट हैं ये इस प्रोसेस को जब ये डेवलप होंगे तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे इंसेस्टेशन। इंसेस्टेशन का मीन्स है कि जो गैमेट्स हैं उनके आगे आउटर कवरिंग या एनवेलप का डेवलपमेंट होने लगे। फिर स्टेज आएगी गैमेटोगोनी। गैमेटोगोनी में क्या होगा मेनली कि जो गैमेटोसाइट्स है वो मल्टीपल एक तरह का फिजन करेंगे जिसमें जो गैमेटोगैमी है ये प्रोड्यूस करेगा बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स को। तो जो गैमेट्स होंगे वो एनाइसोगैमेट्स होंगे, जो मेल गैमेट होंगे उनमें वो स्मॉल होंगे और पॉइंटेड होंगे, और फीमेल गैमेट जो होंगे वो लार्ज होंगे और राउंडेड होंगे। स्मॉल और पॉइंटेड का मीन्स है कि ऐसे स्पर्म की तरह स्मॉल छोटे से स्ट्रक्चर होगी पॉइंटेड, और ये लार्ज और राउंडेड स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होगी इनमें। देन आएगा सिनगैमी। सिनगैमी में क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन्स हैं दो पेरेंट्स गैमेटोसाइट्स के बीच में वो ब्रेक होते हैं और गैमेट्स जो हैं वो जो उनके सेल्स होते हैं वो मिक्स होते हैं आपस में, फ्यूज करेंगे, एक तरह का फर्टिलाइजेशन होगा। तो इस फ्यूजन को हम कहेंगे सिनगैमी, जो कि जायगोट का, या जायगोट को हम स्पोरोंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोंट, उसका फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका गैमेटोगैमी में ये प्रोसेसेस होती हैं। तो अब प्रोसेस आएगी स्पोरोगैमी। स्पोरोगैमी में क्या होता है कि जो स्फेरिकल जायगोट बना, अभी क्या हुआ था कि पॉइंटेड स्मॉल स्ट्रक्चर थी स्पर्म की, ओवम की लार्ज और ओवल या स्फेरिकल स्ट्रक्चर थी, उन्होंने आपस में फ्यूज करके उनके जो लेयर थे वो ब्रेक हुए, देन आपस में वो मिले आकर के। तो क्या होगा फिर उसके बाद अगली आएगी प्रोसेस स्पोरोगैमी। फिर क्या होगा, जो स्फेरिकल जायगोट है वो ट्रांसफॉर्म होगा ओवल बॉडी में, यानी स्फेरिकल जायगोट ट्रांसफॉर्म इनटू ओवल बॉडी। जो डिप्लॉयड जायगोट है वो सेक्रेट करेगा एक टफ कवरिंग को जिसे हम स्पोरोसिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पोरोसिस्ट, जिसके रिजल्ट से क्या होगा, इस स्ट्रक्चर को हम स्पोर कहेंगे। स्पोर में क्या होगा, जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे एक ये फ्री यंग ट्रोफोजॉइट था, देन मैच्योर ट्रोफोजॉइट बना, यहाँ पे साइजाइगाई स्ट्रक्चर आ गई, देन यहाँ पे थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा और यहाँ पे ये देखिए एक्टोसिस्ट, या ये देखिए अंदर की जो लेयर है इसे एंडोसिस्ट, बाहर की लेयर एक्टोसिस्ट, और ये एक तरह का इंसिस्टमेंट होने लगा। देन गैमेटोसाइट्स जा करके एक तरह का जायगोट फॉर्म करेंगे, देन ये स्ट्रक्चर बनेगी स्पोर। ओके, फिर इसके बाद स्टेज आएगी ट्रांसफेरेंस। अब स्पोरोगैमी के बाद होता है ट्रांसफेरेंस। ट्रांसफेरेंस में क्या होता है कि जो ये इनकी अर्थवर्म की बॉडी है ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि स्पोरोजॉइट फॉर्म होती है, स्पोर फॉर्म होती है जब ये दूसरी बॉडी में, दूसरे होस्ट की बॉडी में एंटर करते हैं। तो क्या होता है, एग्जैक्ट मोस्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर इज नॉट नोन, हमें नहीं पता कि किस तरह से होती है। तो स्पोरोसिस्ट जो होते हैं वो रिलीज्ड होते हैं सॉइल में, मेनली जो डेथ हो जाए अर्थवर्म की उसके बाद, तो फिर अर्थवर्म जो है वो ईटन बर्ड्स के द्वारा भी खाया जा सकता है, और स्पोरोसिस्ट जो हैं वो एक्सक्रीटेड हो जाते हैं उनके फीकल मैटर, जो बर्ड्स हैं उनके फीकल मैटर के थ्रू। फिर जो स्पोरोसिस्ट है वो एक तरह का ट्रांसफर्ड बहुत तरह से फॉर्म से हो सकते हैं, जब कॉपुलेशन होगा उसके जरिए भी हो सकते हैं। तो उनको वन बाय वन हम सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए उन्हें डिस्कस करते हैं।
तो सबसे पहले होता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन। कॉपुलेशन के जरिए क्या होगा कि जब होस्ट जो होंगे, दो होस्ट आपस में कॉपुलेशन कर रहे होंगे, तब जो स्पर्मेटोजुआ है वो उनके सेमिनल फ्लूइड के जरिए दूसरे होस्ट की बॉडी में एंटर कर जाएंगे। ओके, ताकि मैंने अभी बताया कि बाय बर्ड्स के थ्रू ये इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी हैं, कि बर्ड्स का जो जब वो इन्फेक्टेड अर्थवॉर्म को खाएंगे देन उनकी बॉडी में वो एंटर करेंगे और फीकल मैटर के थ्रू उनके निकल जाएंगे, जिससे जो इन्फेक्टेड सॉइल होगी उसको दूसरे अर्थवॉर्म खाएंगे जहाँ पर उनका फीकल मैटर गिरा होगा और वहाँ से वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस होगी। देन होता है डेथ ऑफ होस्ट। उसमें क्या होता है कि जब अर्थवॉर्म में जो होस्ट वॉर्म है वो डाइज हो जाता है और स्पोर जो है वो डिकेड हो जाते हैं या सॉइल में एक तरह से हो जाते हैं, फैल जाते हैं, तो जो इन्फेक्टेड सॉइल है इसमें वही है वो फ्रेश वॉर्म के जरिए ईट करी जाएगी और उनके एलिमेंट्री कैनाल में वो एंटर करेंगे और वो भी उनके स्पोर फॉर्म होगी और वहां पर जाकर के इन्फेक्शन कॉज करेंगे। देन ऑटोमाइजेशन। ऑटोमाइजेशन में क्या होता है कि जो पोस्टीरियर रीजन होता है अर्थवॉर्म का वो ऑटोमाइज होता है, स्पोर जो होते हैं उनको लिबरेटेड करता है सॉइल में और इन्फेक्टेड सॉइल वही फ्रेश वॉर्म के थ्रू ईटेड की जाएगी और स्पोर जो होंगे वो इन्वेस्टेड हो या एगेस्टेड हो जाएंगे उसकी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो एक बार हम इनकी स्ट्रक्चर को देखें, स्पोर की फॉर्म को। देन यहाँ पे स्ट्रक्चर होती है, इसे कहेंगे कोनॉइड स्ट्रक्चर, जो कि पोलर रिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एपिकल कॉम्प्लेक्स में। देन रॉड शेप माइक्रोनीम्स होते हैं, ठीक है, मायोनीम्स होते हैं। फिर इनर मेम्ब्रेन होती है, कॉम्प्लेक्स होती है जिसे हम एल्वियोलाई भी कहते हैं। क्लब शेप्ड रॉप्टराइज होते हैं, एपिकोप्लास्ट होता है, न्यूक्लियस होता है, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, माइक्रोपोर, माइटोकॉन्ड्रिया, डेंस ग्रैन्यूल्स और एसिडो कैल्सियोसोम्स। ओके, तो अब स्टेज आती है स्पोरोजॉइट्स। स्पोरोजॉइट्स में क्या होता है कि जो स्पोरोजॉइड है माइन्यूट स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपको जब स्पोर का फॉर्म होगा यानी स्पोर बनेगा, स्पोर एक तरह से बोल सकते हैं कि जायगोट के बाद स्पोर बनते हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर है, एफ वाले स्ट्रक्चर को देखिए, तो इसमें क्या है अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे गैमेटोसिस्ट प्रेजेंट है या स्पोर उन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक बॉडीज होते हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडीज और रिजर्व फूड ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इनके एक्सटीरियर रीजन पे सेक्रेटरी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं और सेक्रेशन में ये हेल्प करते हैं। फिर जब इनका ये जो बाहर की आउटर लेयर है एफ स्ट्रक्चर में देखिए, ये पेनिट्रेट होती है, देन ये बाहर आते हैं और कोनॉइड्स को बेयर करते हैं और माइक्रोमीयर को बेयर करते हैं और एक तरह का फिर स्पोर फॉर्म में, फिर मैच्योर फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, ट्रोफोजॉइट फॉर्म में, जैसे आप देख सकते हैं ये स्पोरोसिस्ट पेनिट्रेट हुआ और ये बाहर आए तो फिर जाकर के ये डेवलप करते हैं। तो स्पोर फॉर्म यही होती है, स्पोरोजॉइट फॉर्म मतलब बाहर की एक आउटर कवरिंग बन जाती है, देन अंदर बहुत सारे एक तरह से गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बाहर आकर के वो यंग ट्रोफोजॉइट बनाते हैं। तो स्पोरोजॉइट फॉर्म के बाद आएगा इन्वेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, यानी इनका इन्वेशन किस तरह से सेमिनल वेसिकल में होता है। तो जो स्पोरोजॉइट्स हैं वो सेक्रेट करते हैं स्पेसिफिक सब्सटेंस को जो कि उनको पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर होगी, उसमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो आउटर की जो क्यूटिकल होगी वो स्पोरोजॉइट के थ्रू ही एक तरह का फ्लूइड सेक्रेट किया जाएगा जिसके जरिए ये पेनिट्रेट होगी और पेनिट्रेट होने के बाद जो स्पोरोजॉइड है ये एपिथेलियल सेल में या एलिमेंट्री कैनाल में जो उनका म्यूकोसा होगा उसमें एंटर करेंगे। जनरली हम बोल सकते हैं कि एक स्पोरोजॉइड वो जनरेट होगा एक सेल पे और एक तरह का म्यूकोसल सेल फॉर्म कर लेगा और स्पोरोजॉइड जो है वो ट्रांसफर होते हैं सेमिनल वेसिकल में जो अर्थ फॉर्म है उसकी बॉडी में और स्पोरोजॉइड एंटर करते हैं ग्रुप ऑफ स्पर्म्स होता है फॉर्मिंग सेल्स। स्पोरोजॉइड का मतलब जो स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स होते हैं या स्पर्म मोरूला भी हम उन्हें कहते हैं। तो स्पोरोजॉइड क्या होंगे, ये इनके जब सेमिनल वेसिकल पे आएंगे देन फीड करेंगे और अपनी जो यंग ट्रोफोजॉइड है उनको ग्रोथ करेंगे। तो ये इनकी एक तरह से इन्वेशन होगा इनके सेमिनल वेसिकल में, इस तरह से पेनिट्रेट होंगे देन वहां पर जाकर के ग्रो करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि सभी के सभी अर्थवॉर्म क्या हैं, एक तरह से मोनोसिस्टिस के थ्रू इन्फेक्टेड हो जाएंगे और उनकी फर्टिलिटी। लेकिन एक बात ये होती है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब ये इनके सेमिनल वेसिकल पे एंटर करते हैं या इन्फेक्शन कॉज करते हैं तो इनकी जो फर्टिलिटी है एक तरह का उसमें इम्पेयर्ड या बोल सकते हैं कोई भी खराबी नहीं आती है। तो मेनली जो ट्रोफोजॉइड हैं वो इनसाइड जो स्पर्म मॉरूले हैं अर्थवॉर्म के उनके अंदर ग्रो करते हैं और
स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटिड्स जो होते हैं वो उससे कोई भी उनका अफेक्शन नहीं होता, उन पे कोई भी सिम्टम्स नहीं होते। तो जो उनकी अमाउंट है या क्वांटिटी है स्पर्म को प्रोड्यूस करने की, उसमें कोई भी खराबी नहीं आती। एक बार हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। सबसे पहले गैमेटोसाइट बने, देन गैमेट गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। जो फीमेल गैमेट होगा वो लार्ज होगा और स्फेरिकल शेप में होगा, और जो मेल गैमेट होगा वो स्मॉल होगा और पॉइंटेड होगा। देन जायगोट बनेंगे, असेक्सुअल जनरेशन करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। देन स्पोर का फॉर्मेशन होगा। स्पोर का फॉर्मेशन होने के बाद जो स्पोरोजॉइड होंगे वो एक तरह का बाहर की तरफ उनके आउटर कवरिंग हो जाएगी स्पोर के बाहर, तो वहाँ पर वो पेनिट्रेशन होगा। देन स्पोरोजॉइड रिलीज होंगे और फिर वो सेमिनल वेसिकल पर अपने आप को ग्रो करेंगे, फीड करेंगे। देन यंग ट्रोफोजॉइड का फॉर्मेशन कर लेंगे और फिर ट्रोफोजॉइड बन जाएंगे। ठीक है, तो ये इनकी लाइफ साइकिल होती रहती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से।